अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो आप सब। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल शिबोल लोग में। तो मज़ेदार सी वीडियो मैं आपके साथ लेकर आई हूँ। तो मैं बात कर रही हूँ दही वाला जूसी मटन कौरमा की, जो कि बहुत ही ज़्यादा ये जूसी सा लगता है, बिल्कुल सॉफ्ट तरीके से मैं इसे बताने वाली हूँ। बिल्कुल सॉफ्ट हम इसे बनाने वाले हैं, तो वीडियो को देखना है पूरा और पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना। तो चलिए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से इसकी रेसिपी बनाई जाती है। मैंने यहाँ पे एक बड़ा सा बर्तन लिया है जर्मन का, उसमें कुकिंग ऑयल ऐड कर लेना है सबसे पहले। तो ऑयल जैसे गर्म हो जाए उसके बाद हम यहाँ पे कुछ खड़े मसाले ऐड करने वाली हूँ, जैसे कि बड़ी इलायची और कुछ कलर के लिए मैं यहाँ पे कुछ मसाला ऐड कर रही हूँ, इसका नाम मुझे नहीं पता। भीगे हुए यहाँ पे मैं तेजपानी के पत्ते 5 से 6 छोटे छोटे ऐड कर दिए है, सिनेमन स्टिक, पत्थर का फूल और कुछ छोटे मसाले जैसे काली मिर्च, शाही जीरा, लौंग और स्टार फूल की पंखुड़ियाँ मैं तोड़ के इसमें ऐड करती हूँ। इस तरह के मैंने यहाँ पे कुछ खड़े मसाले ऐड कर लिए हैं। जैसे ही खड़े मसाले हमारे अच्छे से हो जाए तेल में फ्राई, उसके बाद में यहाँ पे लहसुन प्याज और अदरक का पेस्ट यानी कि 3G पेस्ट हम इसमें ऐड कर लेंगे। तो भर के तीनों का पेस्ट हमें भर के ऐड करना है, कंजूसी बिल्कुल भी नहीं करनी। अगर आपको बिल्कुल मज़ेदार सा जूसी मटन खाना है तो बिल्कुल भर के ऐड करना है। तो तकरीबन इस वाले पेस्ट को हमें भून लेना है 10 से 15 मिनट के लिए, तब तक कि कलर चेंज हो जाए। तो देखिए बिल्कुल कलर इसका चेंज होने लगा है, तो परफेक्ट हमारी अच्छे से कुक हो चुके हैं। और हाँ, हम इसे भगोने में ही बनाने वाले हैं, तो तकरीबन इसे 2 से 2.5 घंटे लग जाएंगे बनने में। तो मैंने इसमें जैसे ही हमारा ये मसाला हो जाए लहसुन प्याज अदरक का, तो उसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ कलेजी के जो पीस थे वो मैंने सबसे पहले ऐड कर लिए, और 1 मिनट के लिए हमें इसे मसाले के साथ कुक कर लेना है ताकि थोड़ा सा कलर इनका चेंज हो जाए, इसलिए मैंने सबसे पहले इसमें ऐड किया है। तो कलर इसका चेंज हो चुका है, तो और भी हम मटन के पीस इसमें ऐड कर लेंगे। तो मैं एक एक करके इसमें लाइन से जमा रही हूँ। एक साथ पे आप पूरा डाल सकते हो, लेकिन मैं एक एक हाथ से डाल रही हूँ क्योंकि मटन बहुत जल्दी पानी को रिलीज कर देता है यानी कि छोड़ देता है, तो इसलिए बर्तन में पानी है इसलिए मैं एक एक करके हाथ से ही डाल रही हूँ। तो भगोने में बनने में यानी कि बहुत टाइम लग जाता है, लेकिन टेस्टी बहुत ज़्यादा बनता है इस तरीके से अगर आप बनाते हो। तो दही वाला आज हम बना रहे हैं और थोड़ा जूसी टाइप का हमें बना लेना है, तो इसलिए इस तरीके से ही हमें बनाते रहना है। तो बस अब हम इसमें नमक ऐड कर लेंगे सबसे पहले, ताकि मटन हमारा अच्छे से जल्दी से कुक हो जाए। तो टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर लेना है और मिक्स कर लेना है। तो देखिए कितना शानदार सा हमारा मटन लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि इस तरीके से बना के खा ले। लेकिन वो रेसिपी मैं आपके साथ बाद में शेयर करूँगी, अभी जो मैं शेयर कर रही हूँ आप उसको ही बना के खाइए। तो अब हम इसमें हल्दी पाउडर भी ऐड कर लेंगे सबसे पहले, ताकि हल्दी और नमक के साथ हमें 1 घंटा 1.25 घंटे के लिए से ऐसे ही छोड़ देना है कुक होने के लिए, इसलिए हल्दी पाउडर मैं सबसे पहले इसमें ऐड कर रही हूँ, तकरीबन 1.5 टीस्पून, और मिक्स कर लेंगे। तो देखिए जैसे ही हल्दी हमने इसमें डाली, अच्छा सा कलर हमारे मटन में आ चुका है। तो बस मिक्स हो चुका है, तो इसे ऐसे ही हमें छोड़ देना है। तो थोड़ा सा पानी हमें डालते हुए फिर से इसे उलट पुलट कर लेना है इस तरीके से। तो इसे कर देंगे हम कवर, और कवर करके 1/2 घंटे के लिए छोड़ देना है। तो 1/2 घंटे बाद आप देख सकते हो ऑयल इसने रिलीज कर दिया है यानी कि छोड़ दिया है। तो 1/2 घंटे के लिए हमने इसे छोड़ दिया था, और हाँ मैंने बीच बीच में चेक भी किया था, ऐसा नहीं है कि बस 1/2 घंटे के लिए छोड़ दिया और मैं भूल गई, टाइम से हमें इसे पकाना है। तो बिल्कुल परफेक्टली आपका अच्छे से बन के तैयार होगा, टाइम का ध्यान रखते हुए हमें पकाना है। तो फिर से मैं इसमें थोड़ा पानी ऐड कर रही हूँ, इतना पानी मैं इसमें ऐड कर दूंगी कि 1/2 घंटे के लिए इसे फिर से हम छोड़ सकें।
तो देखिए पानी मैंने इसमें थोड़ा और ऐड कर लिया है, और अभी हमें कुछ भी इसमें ऐड नहीं करना है, सिर्फ पानी ही ऐड करना है, और हाँ हो सके तो गर्म पानी ही ऐड करना है। तो पौना घंटे के लिए फिर से हम इसे छोड़ देंगे। तो पानी मैंने ऊपर बर्तन के डाल लिया है गर्म होने के लिए। जो गर्म पानी हमने बर्तन के ऊपर गर्म किया था वो भी हमें बर्तन यानी के भगोने में डाल लेना है। तो जैसा कि आप देख सकते हो बीच में मैं इसे चेक कर रही हूँ पौना घंटे के लिए जो हमने छोड़ा था, तो अभी बहुत सारा पानी इसमें ऑलरेडी मौजूद है। तो फिर से हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे और ऊपर से फिर से पानी ऐड कर लेंगे ताकि वो गर्म हो जाए भाप में, और इस प्रक्रिया को करते हुए तकरीबन पौना घंटे तक करना है। आधा घंटा तो हमने पहले ही कर लिया था, और फिर उसके बाद पौना घंटा करना है ताकि अच्छा सा ये जूसी सा यानी कि गल जाए बिल्कुल, और जूसी टाइप का हमारा मटन बनके तैयार हो। तो अब हम इसे चेक कर लेना है। तो बिल्कुल सॉफ्ट सी ये लग रही है, लेकिन एकदम सा भी गली भी नहीं है। मैं बता दूँ ये तकरीबन 60% यानी कि 60% ये गल चुकी है, 40% अभी बाकी है। तो इस स्टेप पे अब हमें डाल लेना है हमें रेड चिली पाउडर। तो मैं मेरे हिसाब से डाल रही हूँ, जितना हम खाते हैं उस हिसाब से डाल रही हूँ। आप अपने कम ज़्यादा कर सकते हो, कम खाते हो तो कम, ज़्यादा खाते हो तो ज़्यादा। तो तकरीबन 8 टेबल स्पून मैंने इसमें रेड चिली पाउडर डाली है, और 8 टेबल स्पून ही मैं इसमें धनिया पाउडर ऐड कर रही हूँ, और दोनों को मिक्स कर लेंगे। तो हाई फ्लेम पर ही हमें इसे पकने देना है। तो मसाला डालते ही कितनी मजेदार सी हमारी यहाँ पे सब्जी लग रही है। तब मसाला डालने के बाद हमें इसे आधा पौन घंटे के लिए मसाले को अच्छे से कुक करना है ताकि बिल्कुल भी मसाले का कच्चापन ना रहे, और जो भी हमने जितनी भी चीज़ें इसमें पहले ऐड की है जैसे लहसुन प्याज अदरक वो सब अच्छे से कुक हो जाए। तो 10 मिनट हो चुके हैं मसाला डाले हुए, अब हम इसमें दही ऐड कर लेंगे। तो तकरीबन मैंने यहाँ पे आधी कटोरी दही लिया है, अच्छे से फेंट लिया है, क्योंकि हम दही स्पेशली बना रहे हैं आज, दही वाला मटन कोरमा। तो दही डालने से बिल्कुल जूसी टाइप का ये मटन बन हो जाएगा। तो इस स्टेप पे मैं डाल रही हूँ यहाँ पे हरी मिर्च का पेस्ट, क्योंकि वैसे मैंने सब चीज़ों के इसमें पेस्ट ही ऐड किया है, इसलिए मैंने हरी मिर्च को खड़ी नहीं डाली है, हरी मिर्च का भी पेस्ट बना लिया है। और मिक्स कर दिया है, और फिर से अब छोड़ देंगे हम इसे आधे घंटे के लिए मसाले को इसी तरीके से पकने के लिए। तो हम इसे कवर कर देंगे, और कवर करते हुए हम इसमें पानी बर्तन के ऊपर फिर से ऐड कर लेंगे ताकि गर्म हो जाए, और गर्म पानी हम इसमें ऐड करना है। तो मैं बीच में इसे चेक कर रही हूँ, तो गर्म पानी मैंने बर्तन में था वो मैंने इसमें ऐड कर लिया है। तो मटन हमारा नीचे बर्तन के लगना स्टार्ट हो चुका है, यानी कि जल्दी ही ये कुक होने वाला है। तो 80% हमारा अच्छे से कुक हो चुका है मटन। तो अगर आप खुले बर्तन में बनाते हो यानी कि प्रेशर कुकर का इस्तेमाल नहीं करते हो, तो आपको मटन बनाने में तकरीबन 2 से 2.5 घंटा लग जाना है। तो फिर से कवर कर देंगे और पानी ऐड कर लेंगे बर्तन के ऊपर जैसा कि मैं कर रही हूँ, और चेक कर लेंगे बाद में 10 मिनट बाद। तो मज़ेदार सा जूसी मटन मैं यहाँ पे बना रही हूँ दही वाला, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा लगता है। तो इस तरीके से कवर करते हुए हमें बना लेना है। मैंने कोई सी भी वीडियो इसमें स्किप नहीं की है, पूरी टोटल वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बस मैंने यहाँ पे इसे फास्ट फॉरवर्ड कर रखा है इसलिए, नहीं तो
2.5 घंटे की वीडियो बन जाती, इसलिए मैंने थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड इसे कर रखा है ताकि जल्दी जल्दी मैं आपको बता सकूं। तो थोड़ा सा पानी मैंने इसमें ऐड कर लिया है और फिर से इसे हाफ कवर कर देंगे। हाफ कवर करके ही हमें इसे पकाना है। तो कंप्लीट हमारी मटन, दही वाला मटन अच्छे से बन के रेडी हो चुका है। तो अब इसमें हम गरम मसाला तकरीबन 1 टेबल स्पून इसमें ऐड कर लेंगे। तो खाने वाले स्पून से मैं बात कर रही हूँ। और धनिया पत्ती भी भर के इसमें ऐड करनी है और हल्के हाथों से मिक्स कर लेना है। ऐसा नहीं है कि बस पूरे मटन को आपने ऊपर नीचे से हिला दिया हो, इसमें आपकी सब्जी बिगड़ सकती है, यानी कि जो भी इसमें तरी है, ऑयल है, वो हट सकता है। तो कर लेना इसे डिश आउट। तो डिश आउट मैंने कर लिया है और देखिए कितनी सॉफ्ट दही वाले मटन की सब्जी लग रही है, बिल्कुल जूसी टाइप। तो ये थी आज की वीडियो जो मैंने आपको बताई है, दही वाले मटन कोरमे की सब्जी किस तरीके से आप बना सकते हो बिना प्रेशर कुकर के। तो ये थी आज की वीडियो, पसंद आई हो तो लाइक कर देना और कॉमेंट करके बताना कि कैसी लगी आज की वीडियो। तो मैं फिर मिलती हूँ एक और नई बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।